प्रदाे स्ने शक्ति दाता, बाप दादा सादर पधारी 不见了。

वो कभी व्यर्थ या असफल नहीं होगा सिर्फ वर्तमान समय को समझना इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे यदि कोई भी कार्य में असफलता होती है या व्यर्थ हो जाता है तो इसका कारण इसका कारण कि तीनों कालों को सामने रखते हुए कार्य नहीं करते हो ओम शांदी। ओम शांदी। शांति स्वागत है आप सबका अब व्यक्ति परिवार में आज है पांचवा दिन हर एक घर जाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो आज का विषय है त्रिकालदर्शी बनना अभी हम दीदी से सुनेंगे शांति, शांति, को ओम बाबा के बीठे घर से, बेहद के घर से आप सबको ओम शांति तो हर रोज यहाँ बहुत सारे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं बहुत सारे बाबा के, के बच्चे बहुत सारी नई नई कंस्ट्रक्शन हो रही है ये सब कुछ हो रहा है यहाँ शांति वन में पर बहुत गर्मी है यहाँ पर अभी तक बहुत गर्मी है हमारे पास अभी सिर्फ एक दादी है ना यहाँ पर हम पहले उनको यूथ दादी कहा करते थे वो हमेशा आ, यूथ विंग की चेयरपर्सन थी रतन मोहिनी दादी ना आजकल वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं बस मीठी प्यारी दृष्टि देते रहते हैं और बहुत मीठी मुस्कुराहट बहुत प्यारी दृष्टि देते हैं बहुत मीठी क्योंकि उनकी स्थिति का पता चलता है ना उनकी दृष्टि से mind. और मुस्कुराहट तो बाबा और ड्रामा दोनों जैसे मदद कर रहे हैं और हमको संपन्न बनाने के लिए संपूर्ण बनाने के लिए कि हमारा देह ठीक ठाक काम करती रहे लेकिन उसको कोई प्रभाव नहीं हो बाहर की स्थितियों का प्रभाव नहीं पड़े सुनते हुए भी नहीं सुनो देखते हुए भी नहीं देखो तो भूमि बहन में और बाकी सब जो है तो हम हर रोज जाते हैं रात को दादी से मिलने के लिए हर रोज और बहुत अच्छा लगता है दादी को मिलकर तो जब तक हमारे सीनियर्स हमारे साथ हैं तो उनकी तपस्या उनकी वाइब्रेशन तो ऐसे महसूस होता है बहुत पवित्र है बहुत निष्काम प्यार है निस्वार्थ प्यार हमसे दे रहे हैं हमको दे रहे हैं बहुत अच्छा लगता है उनको मिलना जब हम उनको मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है तो वो इसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें मैं हूँ तो तीन सीनियर है यहाँ पर इसी बिल्डिंग में सामने आ, बड़े भाई है ब्रजमोहन भाई तो वो भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत न्यारे बनते जा रहे हैं बहुत प्यारी दृष्टि होती है उनकी भी गहरी शांति की अवस्था दिखाई देती है खुशी दिखाई देती है तो बहुत अच्छी ये विशेषताएं हैं जो आजकल सीनियर्स में हमें देखने के लिए मिल रही हैं संपन्नता के करीब हैं जैसे ऐसे महसूस होता है जैसे बाबा तैयार कर रहे हैं और उसके लिए बाबा हमको ये सब इशारे देते हैं तो हम सबको ये सारे इशारे मानने चाहिए उसको फॉलो करना चाहिए तो जो भी पुरुषार्थ हम कर सकते हैं हमको करना चाहिए तो बाबा के ये इशारे हैं बाबा आज हमको कह रहे हैं त्रिकालदर्शी बनो तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी कार्य हमको करना है जो भी कार्य जब भी हम करते हैं अगर हम विजयपन के निश्चय से करें या त्रिकाल दर्शी हो करके करें तो वो कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होगा असफल नहीं होगा तो सिर्फ हमको वर्तमान को समझना इसको संपूर्ण नहीं कहेंगे तो सिर्फ वर्तमान को समझना तो इसको संपन्न संपन संपन नहीं कह सकते क्योंकि अगर कोई भी कार्य में असफलता होती है या व्यर्थ हो जाता है तो उसका कारण क्या है उसका कारण ये है कि हमने उस कार्य को तीनों कालों को सामने रखते हुए नहीं किया तो you know, कोई भी चीज तो जैसे दो चीज दो बातें हैं। एक बात है हम प्लान बनाते हैं और दूसरा है कि हमारा एक दृष्टिकोण हो उसके so, लिए तो अगर हम स्पष्ट होंगे कि हमारा प्लान क्या है तो हमारा क्या आगे होने वाला वो हमको स्पष्ट दिखाई देगा और जब हम अपना प्लान बाबा को समर्पित करते हैं बाबा से वरदान लेके करते हैं सारे परिवार से दुआएं लेकर कार्य करते हैं तो फिर अगर हम अपना कार्य शुरू करते हैं तो उसको कहते हैं रूहानियत जैसे दुआएं हैं, वरदान है तो वो उसको सफल बनाने में मदद करती है जो कुछ भी हमको करना है उसके लिए हमको तैयार होना है और फिर उसको मन में रखते हुए, तो फिर क्या होगा सफलता होगी ही तो जितना जितना हम आदि मध्य अंत वर्तमान आ, पास्ट और भविष्य सब कुछ तीनों कालों को देखेंगे कई बार होता है ना हम कैसे जाने भविष्य को हमको क्या पता क्या होना है तो फिर हमको याद करना है कि बाबा ने हमको कहा है कि विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो विजय को विजय पर निश्चय रखते हुए विजय तो होनी है सफलता ना ना तो होनी है ज्ञान को यूज करो वरदानों को I यूज करो तो सफलता होनी है be, मैं समझती but... हूँ सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध तो अधिकार है, है ना अच्छा ओम शांति ओम मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप कह रहे थे कि आप रोज दादी से मिलने जाते हो तो मुझे बहुत लग रहा था आपसे पूछने के लिए कि आप क्या नोटिस करते हो रोज जब आप दादी से मिलते हो दादी में क्या विशेष आपको दिखाई दे रहा है आजकल तो दीदी कह रहे हैं कि हर दादी अलग है अपनी तरह से हर एक दादी विशेष है तो मैं समझती हूँ कि एक ही दादी रह गई है बाकी सब पूर्वज आत्माएं तो फरिश्ता बन गई हैं तो तो ये सिर्फ ऐसे लगता है कि तो ऐसे दिखती है जैसे वो संपूर्ण है और दादियों के लिए जो हमारा प्यार है वो बहुत खुश हो जाती हैं जब हमको देखते हैं तो जब हम वहां जाते हैं बाकी बहनें भी बहुत खुश हो जाती हैं उसको दादी को बताती रहती हैं दादी को मुरली देती हैं अगले दिन की कि दादी मुरली पढ़ के सुनाओ तो दादी पढ़ती हैं थोड़ी सी मुरली और ऐसे कहते हैं अमेरिका से स्टूडेंट आए हैं तो बाकी बहनें भी बहुत खुश हो जाती हैं मुझे जब वहाँ देखती हैं हर रोज तो बहुत उमंग आता है बहुत प्यार अनुभव होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं जाती हूँ आ, मैं सोचती हूँ किसमें किस मेरा कल्याण है किसमें सबका कल्याण है वो कर्म करें तो सब हम दोनों तरह से सोचते हैं तो दस मिनट आधा घंटा जैसे भी समय मिलता है हम वहां जाते हैं रुकते हैं जैसे एक दिन पहले मैं ब्रजमोहन भाई के पास भी गई थी मैंने उनको देखा नहीं था अभी तक तो मिली नहीं थी मैं उनसे तो मैं उनसे मिलने गई तो मैंने वहां आधा घंटा के करीब मैं बैठी और फिर मैंने उनको बताया कि हर रोज रात को आ, मैं दादी से मिलने जाती हूँ तो वो विश्वास ही नहीं करते सच में आप जाते हो वहां पे मिलने के लिए तो बहुत खुश हो गए तो कल भी अः वो हमने सामने ही रहते हैं तो अः तो जब मैं कल रात को गई तो मैं फिर भाई जी से मिलने भी दोबारा गई तो जब मैं वहां गई तो वहां बैठे हुए थे फिर आ, हम गए तो बहुत अच्छा लगता है जब हम सीनियर्स को ऐसे देखते हैं तो ब्रजमोहन भाई को भी जब मैं देखती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वो भी बहुत न्यारे बहुत शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और कोई उन्हें संकल्प नहीं है जैसे Uh, कुछ महीने पहले या एक साल पहले मैं उनसे मिली थी तो उनको कुछ ना कुछ चिंता थी कि कैसे होगा या मैं ये सब करना है लेकिन अभी मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल है, कोई भी संकल्प भी जैसे नहीं है बहुत शक्तिशाली वातावरण uh, मह, महसूस होता है बहुत अच्छा लगता है तो गायत्री बहन कह रहे हैं तो मैं संडे को जो मुरली चली थी उसमें बाबा ने कहा था कि जब आप फरिश्ता स्थिति में तो आप जो भी कर्म करोगे तो आपके जो कर्म होंगे फरिश्ता स्थिति के तो मैं उस पे चिंतन करी थी कि हमारे कर्म कैसे होंगे तो तो कैसे कर्म होने चाहिए जब हमारे जैसे बाबा ने कहा ना कि आप तो हम क्या वेट करें सूक्ष्म वतन में जाएं देखें तो आप तो सूक्ष्म वतन में जाते हो आपने तो देखा है बाबा कैसे फरिश्ता स्थिति में एक्शन में आते हैं तो आप कैसे ये महसूस कर रहे हो आपको आप दादी के सामने जाते हो तो दादी के बाद दादी अभी ज्यादा बोलते नहीं है सिर्फ मुस्कुराते हैं और वो अपनी जैसी छोटी सी उस उस गुफा में है ना शांति की तो क्या वो एक उदाहरण है अभी अभी शरीर में रहते हुए भी फरिश्ता स्थिति के तो हम क्या वो हम वो ही शक्ति जो एक फरिश्ते से अनुभव होती है दादी से होती है अभी तो दीदी कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमको करना है जैसे कहो कि हमको कोई प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी जो भी चारों तरफ हो रहा है मैं समझती हूँ कि उनका जो तरीका है वो उनकी जो शक्ति है वो मदद कर रही है सब बहनों को सब चीजों में बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो जिनको ये सब करना है तो बहुत चीजें हो रही है ना तो एक बात तो ये है कि, कि उनकी शक्ति काम कर रही है और दूसरा जैसे बाबा अव्यक्त इशारों में आजकल बात हैं ना सूक्ष्म शक्तियों के ऊपर तो हमारे जो श्रेष्ठ संकल्प हैं पवित्रता है वो सूक्ष्म शक्तियां हैं तो सूक्ष्म भी कार्य करती है ना तो जब हम दादियों को देखते हैं तो दादी वैसे उन अव्यक्त इशारों जैसी जीवन अभी जी रहे हैं जैसे तो वो उनके लिए अव्यक्त इशारे माना सूक्ष्म शक्तियां आ, फरिश्ता की शक्तियां तो वो हम अभी उनमें अनुभव करते हैं कि वो अभी उन उनको अन... तो वो ऐसे कर नहीं रहे हैं लेकिन वो बहुत नेचुरली अभी हो गए हैं जैसे दादी प्रकाश मनी कोई संकल्प करते थे तो वो होता था तो बाबा भी ऐसे ही चाहते ना कि हमारी सबकी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम वो सूक्ष्म शक्ति सूक्ष्म अनुभव करा सके सबको तो माना हमारे जो संकल्प हैं और लेकिन हमारे संकल्पों में शक्ति हो शक्ति हो और वो प्रैक्टिकल में हो जाए ऐसे तो गायत्री में तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि ओ दादी को ये संकल्प आया था और ये हुआ नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ ना तो हम हमेशा कहते हैं ओ दादी ने ये संकल्प किया और वो पूरा हो गया तो बाबा ऐसे ही हमको भी चाहते कि हम सबके संकल्प भी ऐसे ही शक्तिशाली हो कि संकल्प करें और सिद्ध हो जाए तो जो भी हमने सूक्ष्म शक्तियां इकट्ठा की है प्राप्तियां की है उनके आधार पर तो गायत्री बन कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि एक तो संकल्प शक्तिशाली होने चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए लेकिन जैसे आज आ, कोई आए थे मुझे मिलने के लिए और वो वो आ, उनके मम्मी इंडिया की है और पापा उनके यहाँ अमेरिका के हैं लेकिन वो बहुत अंदर से बहुत जैसे चिंता और बहुत इस तरह के मानसिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन उनको मदद चाहिए थी तो उनको जैसे मैंने बोला कि साइकेट्रिस्ट से बात करो तो उसने उनको बोला कि यो कराओ लेकिन जब मैं वहां बैठी थी तो मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछ रही थी कि वो अव्यक्त, अव्यक्त कर्म क्या होगा जो मैं ऐसा करूं जिससे कि मैं उसको वो महसूस करा सकूं, उसको शक्ति का अनुभव करा सकूं, क्योंकि वो भी सिर्फ तीस साल की है और उसका दिल जैसे बिल्कुल टूटा हुआ है वो बहुत दुखी है बहुत परेशान है बहुत चिंता में है और उसको कोई आशा नहीं है तो क्या क्या मैं करूं? ऐसा महसूसता के आधार पर कि दूसरे को हम हील कर सकें, उसको ठीक कर सकें शब्द तो बहुत सारे नहीं बोल पाएंगे तो शब्दों से तो कैसे इजी फील कराते हैं लेकिन साथ साथ तो, तो आपने क्या कहा उसको दीदी पूछ रहे हैं तो दीदी गायत्री बहन कह रहे हैं कि मैंने उसको कहा कि आप अपनी शक्तियों को बढ़ाओ तो उसने कहा कि मुझे पता है मैं एक अच्छी इंसान हूँ और मैं यहाँ पे ऊंचा कार्य करने आई हूँ और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे ऊंचा कार्य करने के लिए बनाया है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी उपस्थिति से उसको सही संकल्प आ रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपके कर्म क्या है उसकी महसूसता क्या है लेकिन उसके अंदर गहराई से वो जैसे जागृत हो रहा है कि वो यहाँ क्यों आई है तो वो चीज है ना कि आप जो कर रहे हो और उसको महसूस हो रहा है कि आप किस लिए आए हो इस दुनिया में क्या हो तो उसको वो उमंग आ रहा है आपकी उपस्थिति की वजह से वो भी आप वो भी एक सूक्ष्म और दूसरी बात जो मैं कई ब्राह्मण से कहती हूँ तो कई ब्राह्मण कहते हैं ओ हम भारी महसूस कर रहे हैं कई चीजों तो मैं अव्यक्त इशारों की बारे में सोच रही थी त्रिकालदर्शी के बारे में और विजय के बारे में भी आ, तो और मैं ये एक चीज, एक चीज शब्द सोच रही थी कि हमारी स्मृति कैसी हो तो मैं आ, समझती हूँ कि शायद ब्राह्मण बहुत ज्यादा हम अपनी स्मृति के बारे में बात नहीं करते तो आप क्या समझते हो कि जब हम त्रिकालदर्शी की अवस्था में हो तो हम कैसे दूसरों को मदद करेंगे तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि लोग इन इसके बारे में बहुत बात करते हैं कि अंदर की आवाज क्या है मेरी कैसी मेरी स्मृति है तो तो दीदी कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में और सोचूंगी तो कई बार लोग कहते हैं ना मेरे अंदर से ये आवाज आई तो उससे वो समझते हैं कि ये आत्मा की शक्ति है तो जैसे अंतर की आवाज अः तो, तो वो समझते हैं कि वो आत्मा की शक्ति भी है तो जब बाबा हमसे बात करते हैं आ, कि आ, हम हम अंदर की आवाज माना कि परमात्म शक्ति है वो परमात्मा की स्मृति है तो हमारी दिव्यता है जो अंदर उससे आती है है हमको वो आवाज़ तो ये बहुत अलग बात है। लेकिन जब बाबा आ, दुनिया जब बात करती है अंदर की आवाज की और बाबा करते हैं तो दोनों अलग है तो वो अंदर आप हमको कल समझाना तो कई बार हमको बहुत सारी Uh, दूसरों से लाइक like, लगाव होता है अटैचमेंट होती है लेकिन अगर हमारे अंदर uh, जागृत अवस्था में हम नहीं होंगे तो जैसे कि हम सच्चाई को शक्ति में नहीं परिवर्तन कर रहे हैं तो अः मोइनी दीदी कह रहे हैं कि देखो हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो ज्ञान के आधार पर है बाबा की शक्ति के आधार पर है कि हमको पता है कि मैं आत्मा हूँ और तो हमारी स्मृति हमारी अंदर की आवाज ज्ञान के आधार पर है तो वो हमारी आत्म अभिमानी स्थिति को जागृत करती है तो फिर उससे क्या होता है हम नम्र बनते हैं निमित बनते हैं वो स्मृति में रहता है तो वो बिल्कुल अलग है लेकिन अंदर की आवाज अगर आ रही है देह के भान की वजह से दुनिया में जैसे हो रहा है तो वो ज्ञान के आधार पे होती है जो उनको दुनिया का ज्ञान है तो ये सबसे बड़ा अंतर है और दूसरी बड़ी बात की जो भी आपके पास समझ है जो भी आपके पास आ, आप देख रहे हैं तो ये बहुत सोचने की बात है कि हमें परखने की शक्ति चाहिए कि हमारे अंदर की जो आवाज आ रही है वो ज्ञान के आधार पे है दे के मान पे आधार पे है या आत्म अभिमानी के आधार पे है तो वो परख ना है तो जितना हम उसको परख पाएंगे तो उस आधार से ही हम उसको समझ पाएंगे जैसे आप कह रहे हो ना अंदर की आवाज तो आत्म अभिमानी स्थिति और परमात्मा अभिमानी स्थिति तो गायत्री बहन कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर एक क्लास कराना और आप इसके बारे में और चिंतन करके हमारे साथ शेयर करना मैं समझती हूँ कि आज की दुनिया में बहुत जरूरी है दुनिया कैसे सोचती है हम कैसे सोचते हैं उसमें क्या अंतर है तो कई बार हम ब्राह्मण भी ऐसे करने लग जाते हैं ना तो हमको समझना है वो अंतर क्या है तो हम अपने आप को देखें तो इससे भी ज्यादा आप गहराई में हमको समझाना तो ना कि सिर्फ मेरे लिए पर सभी के लिए सबको इससे फायदा हो तो मेरे अंदर की आवाज कैसे आए मुझे कैसे समझ में आए कि मैं ये बाबा के लिए कर रही हूँ या वो कैसे तो मेरा जो आपका आपसे मेरा लास्ट प्रश्न ये होगा कि तो मेरे, आपको कैसे लगता है कि आपके अंदर की आवाज क्या है और कैसे आप दूसरों के लिए शांति प्यार और कैसे ऐसी भावना आपके अंदर आती है बिना उनको जज किए हुए तो दीदी कह रहे हैं कि देखो एक तो होता है आत्मिक प्यार आत्मिक प्यार जो होता है ना उसमें होता है कि हर आत्मा के लिए हमको प्यार है ऐसे नहीं इसके लिए या उसके लिए माना वो स्वाभाविक प्रेम है सबके लिए स्वाभाविक स्नेह है तो उस स्नेह के आधार पर ही सच सत्यता आती है और आ, सच्चाई आती है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो कुछ भी में हमारे पास है वो सबको मिलना चाहिए तो सबका सब इन चीजों पर अधिकार होना चाहिए तो कई बातें मैं ऐसे सोचती जैसे सबका सम्मान करना क्योंकि हर कोई तो अः मनुष्य आत्मा है ना एक अः हर हर एक का एक जैसा अधिकार है तो मेरी ऐसी स्मृति रहती है कि और जब हम अपने आ, प्रिंसिपल्स के आधार पे काम करते हैं तो मुझे याद है कई जगह जब हम जाते हैं तो कईयों से बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं तो फिर आ, ये समझना चाहिए कि तो कैसे हम कई लोगों से मिलते हैं तो जो भी हम कह रहे हैं कर रहे हैं उसका काफी प्रभाव पड़ता है ना तो वो हमको देखना है तो सबके लिए आत्मिक प्यार आत्मिक स्थिति बना के रखेंगे तो बेहद का प्यार दे पाएंगे तो सुबह सुबह देखो आप इतना क्लास करा रहे हो वहाँ पर तो अभी अमृत वा है और सुबह सुबह इतना अच्छा आपने शेयर किया तो आ, मुझे खुशी है कि हम आ, मेरे पास और भी प्रश्न है पर बाकी प्रश्न हम बाद में ले सकते हैं बहुत बहुत प्यार आपको तो दीदी कह रहे हैं कि अच्छा है ना कि हम और अभ्यास कर पाते हैं और, और चिंतन कर पाते हैं तो ओम शांति और भूमि बहन के लिए भी बहुत बहुत प्यार गायत्री बहन कह रहे हैं बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हें नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हें मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाल साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति पहले पहले तो आप सबको आज के दिन की और साथ साथ नए वर्ष की खूब 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 क्या के मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो क्योंकि प्यारे बाप दादा ने भी कल तीन प्रकार की मुबारकबादी दिया ना आपके पास कल की मुरली तो आ गई होंगी उसमें कहा है बाबा ने एक तो नव जीवन की दूसरी नवयुग की और आज तीसरी आज नए वर्ष की जिस प्रकार से तीन प्रकार की मुबारकबादी दिया है और बाबा ने बहुत सी बातों की कल होमवर्क भी बताया है रात को तो बहन जी ने मुझे यही कहा था कि, कि आप मुरली की बातें जो है उसमें से भी कोई अच्छी बातें जो है ध्यान में योग्य बातें हो उसको भी आप लेना तो उसी दृष्टिकोण से मुझे एक दो बातें कल की मुरली की भी बात करनी है और कल की मुरली के साथ साथ बाबा ने जो विनाश के कनेक्शन की बातें कही है उसको भी उसके बारे में भी थोड़ी बातचीत करनी है कल एक तो बात बहुत सुंदर बात कही बाबा ने जिसके बारे में हम सबका जितना अटेंशन होना चाहिए ध्यान हमें देना चाहिए इतना नहीं देते थे ये वास्तविकता थी अब तक हम समझते थे हैं कि सेवा करो, सेवा करो सेवा करो सेवा करो सेवा करो सेवा करो वो ही था आप जानते हैं हमारे ज्ञान के अंदर चार सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा तो सेवा के दृष्टिकोण से सेवा करना ही है सेवा करना ही है उस प्रकार से हम करते ही रहते थे सेवा करना ही है फिर बाबा ने क्या किया सेवा के अंदर एक और तत्व ऐड किया वो जो तत्व ऐड किया उसका नाम रखा बाबा ने दो साल पहले कहा था सफल करो सेवा तो करते ही है परंतु साथ साथ सफल भी करो सफल क्या करने का अपना तन अपना मन अपना धन जो है अपनी वाणी जो भी है अपना संबंध संपर्क आदि जो भी है इन सब को ईश्वरीय सेवा के अंदर सफल करो जिसको बाबा पिछले पहले उन्नीस सौ तो साठ इकसठ मुरलियों में बाबा कहते थे कि चैरिटी बिगिन एट होम अपने परिवार की सेवा करो अपने आप जहाँ के हो उस एरिया के वहाँ के लोगों की सेवा करो इस प्रकार से बाबा अपना तन अपना जन्म स्थान अपने परिवार इन सब की सेवा करने के लिए बाबा बताते थे और दो साल पहले तो बाबा ने एक ही बार एक ही मुरली में एक ही बार सब साथ में सफल करो सफल करो सफल करो ऐसा कहा हुआ था ताकि हमारा जो भी धन है या जो भी हमारे पास चीज़ें हैं वो ऐसे वेस्ट न जाए हमारे मातेश्वरी हमारे घर में रहे हुए थे हमारे साथ में अठारह मास रहे हुए थे मातेश्वरी का एक बहुत महामंत्र हमेशा ही मातेश्वरी जी रिपीट करते थे कि किसी की सफल नहीं किया तो क्या होगा किसी की चोर लूट जाएगा किसी की आग जलाए आग में भस्मीभूत हो जाएगा किसी का राजा खाए इस प्रकार राजा लेके जाएगा इस प्रकार से दुनिया के अंदर लौकिक दुनिया में अपना जिसका धन वो काम में नहीं लगाते तो क्या होगा भर्तृहरि ने भी बहुत सुंदर संस्कृत में श्लोक में कहा हुआ है कि इस दुनिया में सबसे बड़े में बड़ा महादानी कौन इस दुनिया में महादानी कौन तो बताया है भरतुहरी जी ने कहा हुआ है कि महादानी जो कंजूस होता है मनहूस होता है वो महादानी है क्योंकि वो अपने लिए कुछ भी यूज नहीं करता है अपने उसके बाद शरीर छूटने के बाद उसके रिश्तेदार आदि जो भी है वो ही मौज करते हैं, उनके लिए ही वो सब सब कुछ छोड़ के चला जाता है अपने लिए कुछ भी सफल नहीं करता है तो इस प्रकार से महादानी कौन तो कंजूस जो अपने लिए सफल नहीं करता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद के लोग जो है उसी उसके धन से ही मौज करते हैं तो इसलिए बाबा ने दो साल पहले से ये कहा सफल करो सफल करो सफल करो और उसी दिन जिस दिन बाबा ने वो मुरली चलाई उसके बाद दूसरे दिन मेरा क्लास था तो मैंने सफल करो क्या उसके बारे में बताया था फल सहित सफल फल सहित जिस कार्य कार्य ऐसा करते हैं जिसका फल मिलता है जैसे वो है ना कहते तीर ऐसा लगाओ तीर शिकार को लेकर के वापस आपके हाथ में आए हाँ ऐसा तीर लगाना चाहिए इस प्रकार से सफल ऐसा सफल ऐसा करो कार्य ऐसा करो जिसका फल निकले ऐसा नहीं बर अपने जीवन के अंदर आप देख लीजिए कितने भी आप कर्म करते हो कहीं कर्म करते हो उसमें से जिसका सफल स माना अच्छा फल बुरा फल नहीं अच्छा फल मिले ऐसी सेवा करनी चाहिए ऐसी प्राप्ति होनी चाहिए ये सफल करो सफल करो सफल करो कल भी बाबा ने कहा परंतु तो अभी है। कल इतने वर्षों के बाद पहले एक बार अभ्यक्त मुरली में कहा था कि आप कितनी भी सेवा करो बाबा ने कहा था पचास सेंटर भी संभालते हो परंतु उसमें बहुत विघ्न आते हैं और उसके मार्ग और एक ही सेवा के अंदर संभालते हो निर्विघ्न है कोई भी समस्याएं नहीं है कभी भी कोई भी बात की प्रश्न उठ उठा करके आप दादियों के पास गौरव के पास नहीं जाते हो और शांति से सबका स्नेह से सबके प्रेम से सद्भाव से शुभ भावना से शुभकामना से जो भी आप सेवा करते हो एक ही सेवा के अंदर संभालते हो तो बाबा ने कहा उसका मैं मार्क ज़्यादा देता हूँ ऐसे ऐसे चार पांच साल पहले की अभ्युक्त मुरली में था उसके बाद रेफरेंस नहीं था कल देखा जाए तो पहली बार कहा सेवा सेवा के बाद सफल और सफल के बाद जमा कितना हुआ सेवा तो बहुत की पर तो जमा कितना हुआ और जमा करने के लिए बाबा ने गोल्डन चाबियां दिया कल तीन बात जो है ना आप सबने पढ़ा होगा मैं फिर से उसमें से वो तीन शब्द रिपीट करता हूं बाबा ने क्या कहा निमित्त भाव निर्माण भाव और निर्मल वाणी निमित्त भाव निर्माण भाव और निर्मल वाणी इसलिए बाबा ने आगे भी कहा सेवा कितनी भी करते हो लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं इसकी निशानी है उसकी गोल्डन चाबी है ये निमित्त भाव निर्माण भाव और निर्माण निर्मल वाणी तीन में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो परंतु तो जमा का खाता नहीं होता और होता तो बहुत थोड़ा नाम मात्र कितना होता है पांच परसेंट भी नहीं होता है इसलिए बाबा ने कहा मैं कर, क्योंकि क्या होता है निमित्त भाव नहीं होता है परंतु मैंपन बाबा ने कहा हाँ आगे निमित्त भाव के बदले में मैंपन अरे मैंने किया मैंने किया मैंने किया हाँ मेरे बिना कोई कोई नहीं कर सकता है परंतु तो यह हम भूल जाते हैं कि करण करावन हर बाबा है और बाबा ने हमको निमित्त बनाया बाकी बाबा का काम तो हो जाएगा मैं एक बार कुछ एक और एक सेंटर पर कोई थोड़ा घमसान था आपस में मतभेद था तो बाबा ने मुझे वहां पर भेजा था साकार बाबा ने तो मैं वहाँ गया था और आने के बाद मैंने बाबा को बताया कि बाबा वहाँ तो बहुत आपस में विचारों का भेद बहुत है और कई लोग जो है वो हाँ कहते हैं अभी हम बाबा का हाथ छोड़ देंगे नहीं आएंगे सेंटर पर ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे तो क्या करे बाबा ऐसे कभी भी अपने बारे में खुद नहीं कहते हैं पर तो उस दिन बाबा ने वो सुना और आज उस दिन बाबा के मुख से जो मैंने महावाक्य सुने हैं आज तक मैंने वो वाक्य महावाक्य सुने नहीं है बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा बाबा ने बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में देखा जाए तो मैं इतना सर्वशक्तिवान हूं मुझे आप किसी भी बच्चों की जरूरत नहीं है किसी भी बच्चों की जरूरत नहीं मैं मैं इतना सर्वशक्तिवान हूं कि मैं अपने आप ही ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकता हूं ये तो मुझे आप बच्चों को आगे रखना पड़ता है क्योंकि आप बच्चों का भाग्य बनाने के लिए मैं आपको आगे रखता हूं ताकि मुझे आपकी जरूरत नहीं है आपको अपना भाग्य बनाना है इसलिए मैं आगे रखता हूं और आप अपना भाग्य बना रहे हो ताकि मुझे आपकी जरूरत नहीं है जिस दिन से हमने बाबा के मुख से महावाक्य सुना उस दिन से हमको ऐसा दिल में बैठ गया कि वास्तव में बाबा हमको हमारे भाग्य को बनाने के लिए हमको निमित्त आगे बनाते हैं आगे रखते हैं शान है दिल तख्त पर हमें रख लिया खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया तख् और तिलक की हमको अमर जागीर दी ताज तख्त तख् तिलक की हमको अमर जागीर दी जिंदगी जीने की हमको एक नई नदबीर दी शांति व्यक्ति परिवार सो लकी फॉर्चुनेट

स्केजूल uh, सेम रहेगा सुबह साढ़े तीन बजे से अमृत वेला और शाम को छः बजे uh, इवनिंग का भट्टी शुरू होगी फिर हिंदी का सेशन फिर इंग्लिश का सेशन होगा और अभी हम मुरली सुनेंगे ओम शांति ओम शांति अवेकन ले सितंबर 1971 27 सितंबर स्नेह की शक्ति द्वारा सत्यता की प्रत्यक्षता about... इस समय सभी की स्मृति में या नैनो में क्या है एक बात है या दो है या एक में दो है वो क्या है है तो बच्चों ने कहा एक बाप है बस तो बाबा ने कहा आज सभी एक मत और एक ही बात पर हैं अच्छा इस समय तो एक बात है लेकिन वैसे वर्तमान समय स्मृति में या नैनो में सदा क्या रहता है क्या आपको सर्विस याद रहती है जैसे आपको बाबा याद रहता है ऐसे ही आपको सेवा भी याद रहती है या फिर सिर्फ ये याद रहता है कि घर सिर्फ घर जाना है तो बिना सेवा किए घर भी वापस कैसे जाएंगे तो वर्षा भी अपने लिए तो याद रहा लेकिन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है ये भी याद रहना है हर कदम में स्मृति में बाप की याद और साथ साथ या सिर्फ याद रहती है तो दोनों होना चाहिए बाप की याद और सेवा दोनों चलते फिरते कर्म करते अगर ये स्मृति में रहेगा कि हम हर समय ईश्वरीय सेवा के अर्थ निमित्त हैं, स्थूल कार्य करते भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त हैं। तो ये स्मृति रहने से सदा ये स्मृति रहने से सदैव निमित्त समझने से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे डिससर्विस हो जाए ये स्मृति जब भूल जाती है तब साधारण कर्म या साधारण रीति समेत जाता रहता है जैसे देखो कोई विशेष सर्विस अर्थ निमित्त बनते हो तो जितना समय विशेष सर्विस का रूप सामने होता है उतने समय स्टेज स्थिति बहुत अच्छी होती है क्योंकि समझते हैं हम इस समय सभी के सामने सर्विस के लिए ऐसे ही कार्य करते हुए भी स्मृति रहे कि इस समय मनसा द्वारा विश्व को परिवर्तन करने की सेवा में उपस्थित हो तो क्या स्थिति होगी अटेंशन रहता है ना चेकिंग रहती है ना तो इस प्रकार अगर सदा अपने को विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ समझते हो तो फिर साधारण स्थिति या साधारण चलन या अलबेलापन रहेगा क्या और कितना समय व्यर्थ जाने से सफल हो जाएगा और जमा का खाता कितना बढ़ जाएगा तो ऐसे कोई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है तो वो एक एक सेकंड अपना अमूल्य समझते हैं अगर एक दो मिनट भी व्यर्थ चला जाए तो उनके लिए वो दो मिनट भी बहुत बड़ा समय देखने में आता है तो सभी से बड़ी से बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है और किसी के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है जितनी आपकी है इस समय पर तो सारे विश्व का कल्याण जड़ चैतन्य दोनों को परिवर्तन करना है कितनी बड़ी जिम्मेवारी है तो हर समय ये स्मृति रहे कि बाप ने इस समय कौन सी ड्यूटी दी है एक आंख में बाप का स्नेह दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य मन सेवा तो और सेवा दोनों साथ साथ चाहिए। भी प्रिय है लेकिन ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है तो दोनों साथ साथ चाहिए तो अपनी स्थिति जब दोनों की साथ साथ स्मृति होगी तभी सर्विस करने के समय स्नेही मूर्त भी होंगे लेकिन सिर्फ स्नेह भी नहीं चाहिए स्नेह के साथ और क्या चाहिए तो किसी ने कहा शक्ति रूप शक्ति रूप तो होंगे लेकिन शक्ति रूप का प्रत्यक्ष रूप क्या दिखाई देगा सर्विस के रिजल्ट में नंबर किस आधार पर होते हैं क्योंकि जब वाणी में जौहर भरा हुआ है अर्थात स्नेह के साथ शब्दों में ऐसा जौहर होना चाहिए जो के हृदय विदीर्ण हो जाए ओम शांति